press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आजमगढ़ के मेहनगर कस्बे में स्थित दौलत इब्राहिम खान के मकबरे के बारे में। आजमगढ़ मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेहनगर कस्बा आजमगढ़ के नाभिनाल से जुड़ा हुआ है, जहां राजा हरिवंश सिंह ने अपने चाचा दौलत इब्राहिम खान की याद में 36 दरवाजों वाला ये मकबरा बनवाया था, जो आज भी मेहनगर कस्बे में अपने इतिहास को पुख्ता करते हुए अपने अस्तित्व को बयान करता है। यह मकबरा अपने तत्कालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला की बेमिसाल कलाकारी का एक नमूना है। तो आइए जानते हैं कि कौन थे राजा हरिवंश सिंह और कौन थे दौलत इब्राहिम खान। दरअसल आजमगढ़ जौनपुर सूबे के हिस्से में आता था और सन 1594 के आसपास, जब जहांगीर का शासन पूरे देश में फैला हुआ था, उन दिनों जौनपुर सूबे के पूर्वी हिस्से में काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। वहीं के राजपूत सेनापति चंद्रसेन सिंह के पुत्र अभिमान सिंह उर्फ अभिमन्यु सिंह जहांगीर की सेना में सिपहसालार थे। जहांगीर ने असंतोष को मिटाने की जिम्मेदारी अभिमन्यु सिंह को ही सौंपी। वहाँ की देख रेख कर अभिमन्यु सिंह ने वहाँ एक नहीं बल्कि 3 बार वहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया। अभिमन्यु सिंह से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 1500 घुड़सवार और 92,500 रुपये देने के साथ जौनपुर राज के पूर्वी हिस्से के सभी 22 परगनों को अभिमन्यु सिंह के हवाले कर दिया। इस जागीर को पाकर अभिमन्यु सिंह ने अपनी एक स्वतंत्र जागीर स्थापित की, जिसकी राजधानी उन्होंने मेहनगर को बनाया। बाद में अभिमन्यु सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम दौलत इब्राहिम खान रखा। निसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे हरिवंश सिंह को अपना राजाधिकारी बनाया। बाद में राजा बने हरिवंश सिंह ने ही मेहनगर का किला बनवाया तथा 20 वर्षों तक राज किया। हरिवंश सिंह ने ही हरिबांध पोखरा, लखराम पोखरा, रानी सागर पोखरा और दौलत इब्राहिम खान का मकबरा बनवाया था। चूंकि दौलत इब्राहिम खान राजा हरिवंश सिंह के चाचा थे, तो उनकी याद में ही ये 36 दरवाजों वाला मकबरा बनवाया गया था। लेकिन जब राजा हरिवंश ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तो उनके इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के कारण इनकी पत्नी रानी ज्योति कुंवर सिंह अपने छोटे बेटे धरनीधर सिंह को लेकर चली गई। जिस जगह पर रानी रहने आई, उसी स्थान को आज हम लोग रानी की सराय के नाम से जानते हैं। बाद के दिनों में रानी के बेटे धरनीधर सिंह ने भी मुस्लिम लड़की से विवाह किया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। धरनीधर सिंह के ही 2 पुत्र हुए, आजम खान और अजमत खान, जिन्होंने बाद में राज की बागडोर संभाली। आजम खान ने ही 1665 ईस्वी में आजमगढ़ शहर की स्थापना की और यहीं पर अपना किला बनवाया। इसके साथ ही उनके छोटे भाई अजमत खान ने अजमतगढ़ को बसाया।